सही है ना, अमिताभ बच्चन अभी झुंड करके एक फिल्म कर रहा है, नागराज मंजू डायरेक्टर है। आई डोंट लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया कि मतलब कैसी होगी वो फिल्म, बिकॉज इनिशियली अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन था, फिर थोड़े से कॉमेडी लाइक एक्शन टाइप के रोल, फिर बीच में लाल बादशाह वाला पीरियड आया था जब ही वॉज गोइंग टू ट्रांजिशन, काइंड ऑफ इवोल्यूशन हो रहा था उसमें, फिर पापा टाइप्स के रोल करने लगा, फिर अगेन लाइक एंग्री ओल्ड मैन टाइप के रोल पिंक या फिर बदला टाइप के फिल्म्स में। ही हैज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हिज एज। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखना अभी बीच में कुछ बहुत अजीब अजीब रोल भी किए थे उसने, जो थग्स ऑफ हिंदुस्तान में किया था। लेकिन आई एम एक्साइटेड अबाउट झुंड एंड आई कैन पिन पॉइंट कि क्या होगा, बिकॉज अमिताभ बच्चन एवरीबडी इज राइटिंग अ रोल, बिकॉज कैसादी का महानायक है वो, तो यू हैव टू राइट अ रोल विच इज लार्जर देन लाइफ। अगर वो नॉर्मल बंदा होगा तो भी कुछ तो ऐसे बड़ा करेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ रोल प्रॉब्ली इट मे बी है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि डायरेक्टर्स और लाइक फिल्म मेकर्स मस्ट बी हैविंग अ पर्टिकुलर इमेज, और अमिताभ का एक अपील भी है वो अट्रैक्ट करने के लिए, यू हैव टू राइट सम रोल्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, मार्केटिंग पीपल रहते हैं, प्रोड्यूसर्स रहते हैं, तो दे ऑल्सो हैव देयर ओन कंडीशन, जो पैसे वैसे डालते हैं कि अगर अमिताभ जी है तो इन्होंने ये करना ही चाहिए। बट देन अगेन द डायरेक्टर लाइक नागराज मंजू है विच इज हु इज वेरी क्लियर, वो जब सैराट के बाद फेमस हुआ था, आई वॉज पर्सनली वरीड, अरे यार इतना फेम मिलने के बाद ही शुडंट बी लाइक निशिकांत कामत। निशिकांत कामत इनिशियली बहुत सॉलिड फिल्में कर रहा था, लेकिन बट मतलब उसके इंटरव्यू वगैरह देख के काफी क्लियर हो जाता है कि नागराज मंजू काइंड ऑफ डायरेक्टर या फिर काइंड ऑफ पर्सन हु विल नॉट चेंज, ही इज क्वाइट क्लियर अबाउट दैट, आई विल नॉट चेंज, आई विल माय स्टोरीज विल बी लाइक माय स्टोरीज ओनली। तो ये बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि झुंड क्या होगा ऐसे, विल वी सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अमिताभ बच्चन जो अब तक नहीं देखा, एकदम पुराना वाला एंग्री यंग मैन जो जब ही वॉज लाइक 30 जंजीर या वो टाइम का, क्योंकि इसमें वो गरीब बच्चों का कुछ कोच टाइप है स्पोर्ट्स टीम का, और एक टीजर आया उसमें, तो टीजर में काफी सेलिब्रेटरी म्यूजिकल टाइप का फील आ रहा है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि अजय अतुल के साथ कोलैबोरेट करने के बाद मतलब इट्स क्वाइट अनरिवीलिंग, कुछ भी नहीं है उस टीजर में, बट ये समझ रहा है कि ऐसे गली बॉय टाइप का माहौल है, लोअर क्लास रहता है ना, चौल वोल में रहने वाला है, वहाँ का ऐसा उसका फील आ रहा है। और मेरा ऐसा भी है ना कि है ना नो कि नागराज मंजू की फिल्म है तो मैं जाके प्लॉट लाइन भी नहीं पढ़ूंगा, ट्रेलर तो छोड़ ही दे, मैं सीधा जाके फिल्म देखूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट, अगर अच्छी ही फिल्म होने वाली है तो आई वॉन्ट एवरीथिंग एज अ सरप्राइज। मतलब आज के ज़माने में तो यह बहुत मुश्किल है क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, तो आई एम नॉट श्योर वॉट वी आर गोइंग टू सी थ्रू अमिताभ बच्चन। दिस इज सच अ इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन, सदी का महानायक, एब्सोल्युटली सेलिब्रेटेड एक्टर एंड अ गाय हु टेल्स वेरी रॉ स्टोरीज, एकदम लो क्लास की ऐसे, एकदम रियल, एकदम बेसिक स्टोरीज रहती है देखा जाए तो। प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि झुंड में ही इज नॉट अ सेंट्रल कैरेक्टर अमिताभ बच्चन, बट बिकॉज ही इज कोलैबोरेटिंग विद नागराज मंजू जो है, जो भी प्रोड्यूसर वोड्यूसर रहेंगे मार्केटिंग वाले, वो तो पूरा उसका फायदा उठाएंगे। बट इवन इफ ही इज लाइक मिड लेवल कैरेक्टर, फिर भी वो अमिताभ है तो बड़ा ही लगेगा कैरेक्टर, अनलेस ही हैज वेरी स्मॉल रोल तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। बट इफ ही हैज लाइक अ सब्सटेंशियल रोल इन झुंड ना, तो मजा आने वाला है यार, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या निकलने वाला है इस कोलैबोरेशन। व्हाइल मेकिंग द पोर्ट्रेट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि जनरली यू हैव सर्टेन प्रोजेक्शन कि क्या होगा, बाबा इम्तियाज अली है, शाहरुख खान है, कंबाइनिंग यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। मेरे पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन थे जो एब्सोल्युटली फ्लॉप हो गए, आई लव शाहरुख खान, आई लव इम्तियाज अली, लेकिन मैंने सोचा था कोलैबोरेशन खूब सॉलिड होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ वैसे। बट एनी विच वे आई हैड दोज एक्सपेक्टेशन, बट झुंड के बारे में लाइक आई कांट इवन थिंक कि क्या हो गया। एंड दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज मैंने पर्सनली अमिताभ बच्चन की वो वाली फिल्में नहीं देखी है सर, या फिर देखी है लेकिन याद नहीं है, बहुत बचपन में देखी है, और जो भी याद है वो सारी ऐसे लार्जर देन लाइफ वाली, शोले, अमर अकबर, एंथनी, सब में लाइक ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लार्जर देन लाइफ हीरो, लेकिन वो नहीं देखी है मैंने, आनंद नहीं देखी है, सभी को आनंद देखनी है, लीवर नहीं देखी है मैंने, मेरे पास ना है वो सीन की वजह से ऐसा लगता है कि मैंने देखी है लेकिन मैंने नहीं देखी है। इतनी बार वो आता है ना पॉप कल्चर में।
माई ऑल टाइम फेवरेट अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथम, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ वाज वेरी अट्रैक्टिव. मैं ऐसा करता था बचपन में, ऐसे बैंडेज लगाता था आईने को. और एक मेरे को अचानक से याद है, और DD1 पे वो मूवीज लगते थे ना अपने बचपन में, मैं अमिताभ बच्चन का फैन था. लेकिन एक दिन मैंने उसकी फिल्म देखी जो देख के आई गॉट सो मच इम्प्रेस बचपन में, लेकिन आई सडनली सॉ कि दिस इज व्हाई ही इज सच अ बिग एक्टर या फिर सच अ बिग स्टार. वो फिल्म थी मैं आजाद हूँ, बहुत लेसर नोन फिल्म है मैं आजाद हूँ. मैं सॉ दैट फिल्म आई वाज लाइक शुड इसको बोल, मतलब क्या एक्टिंग करता है यार. तब तक मैं ऐसी फिल्में देख रहा था जिसमें वो सब कुछ कर रहा है, चलो कॉमेडी कर रहा है, अमर अकबर एंथनी एक्शन कर रहा है, दोस्ताना. लेकिन मैं आजाद हूँ में शायद वो बहुत सीरियस रोल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली मूवी में क्या होता है, लेकिन आई रिमेम्बर फीलिंग दिस की आई बिकेम फैन ऑफ हिज एक्टिंग. मेरे को पता चला कि अमिताभ बच्चन को इतना क्यों मानते लोग, बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर. और उसमें फर्स्ट टाइम दैट वॉज द फर्स्ट फिल्म आई रियलाइज की ही इज अ ग्रेट एक्टर.